तो भाई लोगों कैसे हो। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयर फॉर यू। तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई रेमेडी। तो फ्रेंड्स आज के पास रेमेडी होने वाली है, अगर आप गोरापन चाहते हैं फ्रेंड्स तो 100% इस वीडियो में आपको गोरापन मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर झुर्रे आए, सन टैन है या फिर चोट के निशाने फ्रेंड्स, हम उन्हें भी बड़ी आसानी से खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरे एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको एक खाली बाउल लेना है और इसके अंदर फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 2.5 चम्मच दही। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी। फ्रेंड्स हमको हल्दी बस इतनी मात्रा के अंदर लेनी है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रोज वाटर। तो फ्रेंड्स हमारी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर ऐड करा था बेसन। तो फ्रेंड्स बेसन एक ऐसी मात्र चीज़ है जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि वो आपको 100% गोरापन देगा ही देगा, जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। फ्रेंड्स बेसन आपके डेड सेल्स को निकालता है और आपके चेहरे पे निखार लेके आता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करी थी दही। तो फ्रेंड्स दही के अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि आपके मैल को काटता है, आपके कालेपन को दूर करता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर फ्रेंड्स टैन हुआ हुआ है तो ये उसको भी दूर करता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी हल्दी। तो फ्रेंड्स हल्दी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है जो कि आपके चेहरे के ऊपर फ्रेंड्स कोई इन्फेक्शन हुआ होएगा या फिर चोट के निशाने फ्रेंड्स या फिर आपके चेहरे पे कोई दाने पिंपल्स हैं तो फ्रेंड्स ये हल्दी उनको ख़त्म कर देगी और आपके चेहरे को निखार देगी। और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करा था रोज़ वाटर। तो फ्रेंड्स रोज़ वाटर आपकी स्किन के अंदर डीपली जाता है और आपकी स्किन की सफाई करता है, ये आपके ओपन पोर्ट्स में जाके आपकी गंदगी को बाहर निकालता है। फ्रेंड्स हमने इन सबको मिला के एक ये लेप बना लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब अप्लाई करना है और कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आप इसे अपने फिंगर की मदद से अपने फेस पे इस तरह एक लेप की तरह लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एक ही लेप की तरह लगा लिया है। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इसके बाद आपको इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे सूखने के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स जब ये 15 से 20 मिनट बाद जाके सूख जाए तो आप इसे जाके वॉश कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप यकीन मानिए, आप बस एक बार इसको अप्लाई करके देखिए, अगर आपको इसका रिजल्ट नहीं मिला तो आप मेरे कमेंट में आके बताइएगा आपको रिजल्ट नहीं मिला। फ्रेंड्स मैं जानता हूँ एक भी ऐसा कमेंट नहीं आएगा जिसको इसका फ़र्क नहीं दिखा हो। तो फ्रेंड्स ये मेरी खुद की आजमाई हुई रेमेडी है जो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले मैं अपने ऊपर सारी रेमेडी अप्लाई करता हूँ, अगर मुझे रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स तो ही मैं आपको बताता हूँ, अगर फ्रेंड्स मुझे रिजल्ट नहीं मिलता मैं आपको वीडियो बना के नहीं दिखाता। तो फ्रेंड्स अगर आपके चेहरे के ऊपर ज़्यादा ही कालापन है या फिर टैन हुआ हुआ है फ्रेंड्स तो आप इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका रंग फेयर है, बस आप अपने चेहरे के ऊपर से झुर्रियाँ या फिर चोट के निशान पिंपल्स ख़त्म करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप इसे हफ्ते में 3 से 4 दिन अप्लाई कीजिए। अगर आपका रंग ज़्यादा ही काला है तो आप इसे डेली अप्लाई कीजिए, वरना तो आप 3 से 4 दिन अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी रेमेडी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।